घोषणा हुई कि वॉर 2 को अयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर दिखाई देंगे। ये पहली बार होगा जब ऋतिक रोशन साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के साथ स्क्रीन पर दिखेंगे। दोनों को साथ देखने गजब का एक्सपीरियंस होगा। पुष्पा के मेकर्स ने पुष्पा द रूल का फर्स्ट लुक आउट करते हुए रश्मिका मंदाना के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों को तोहफा दे डाला है। मेकर्स ने एक वीडियो शेयर किया है जिसके साथ लिखा है, कहा है पुष्पा, आपका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। आपको अपने सभी सवालों का जवाब 7 अप्रैल 4:05 पर मिल जाएगा। सुष्मिता सेन ने इंस्टाग्राम पर एक्स बॉयफ्रेंड रहमान शॉल के साथ एक वीडियो शेयर किया है जहां वो उनके साथ खूब पसीना बहाती नजर आ रही हैं। साथ ही उन्होंने रहमान को अपना लव्ड वन भी बताया है। प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती को लेकर बताया कि उन्हें इंडियन फूड बेहद पसंद है, वो बिरयानी और मटर पनीर की दीवानी है। साथ उन्होंने कहा, मालती भले ही निक जोनस की तरह दिखती हो लेकिन वो दिल से असली चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा की सीरीज सिटाडेल के प्रीमियर पर पहुंची नोरा फतेही, स्किन टाइट ब्लैक आउटफिट में हुई उप्स मोमेंट का शिकार, वीडियो हुआ वायरल। द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने हिंदी फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा है कि बॉलीवुड का बुरा हाल दोबारा हो गया है। आपको बताते हाल ही में सेल्फी भोला शहजादा रिलीज हुई जो ज्यादा कमाल नहीं कर पाई। मलाइका अरोरा ने एक मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में बात करते हुए ट्रोलर्स के मुंह पर तमाचा मारा है। उन्होंने कहा, मुझे हमेशा मेरी पसंद के लिए ट्रोल किया गया है। मैं जिस तरह से कपड़े पहनती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ, मैं किसे डेट करती हूँ, वो सभी चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन मैंने बहुत समय पहले इन सब की परवाह करना बंद कर दिया था। सच ये है कि लोग आपके बारे में बात करते हैं, इसका मतलब ये कि आप इम्पोर्टेंट है, जो काफी अच्छी बात है। ओम राउत की मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष फिर से एक बार विवादों में आ गई है। फिल्म और फिल्म के मेकर्स पर एक बार फिर से मुंबई में केस दर्ज हो गया है। कहा जा रहा है कि फिल्म के नए पोस्टर से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि इसमें हिंदू के आराध्य भगवान राम को गलत तरीके से दिखाया गया है। समांथा रुद्र प्रभु ने एक्स हस्बैंड नागा चैतन्य के अफेयर की खबरों पर कमेंट करने की खबर को नकार दिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक रिपोर्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा है। बीती रात प्रियंका चोपड़ा की सीरीज सिटाडेल के प्रीमियर पर बॉलीवुड की तमाम हस्ती ने शिरकत की, लेकिन इस इवेंट में वरुण धवन और रेखा ने हर किसी का ध्यान खींच लिया।